अब हम लोग आ रहे हैं हेडेक। हेडेक के लिए होम्योपैथिक मेडिसिंस कोई स्पेसिफिक नहीं है, ए टू जेड तक की मेडिसिन जितनी होम्योपैथिक में ऑल आर वर्किंग ऑन हेडेक। होता है कभी फोन कर रहा सीधे दे रहा कुछ दवाई बता दो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्या दवाई देना है जब तक आप उसका टोटलिटी नहीं समझोगे। इसलिए कभी भी ऐसा गलती मत करना, नहीं तो आप फेल हो जाएगा। बोलेगा पेशेंट बाद में हम ये खाया, बेलडोना खाया, ब्रायनिया खाया, मैकफस खाया, सब खा लिया, नहीं कुछ कम नहीं हुआ। हमको पार्टिकुलर सिम्टम वाइज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में जाना है और माइजम को भी कवर करना है। इसलिए हम अभी ए से आई तक का बता रहा हूँ, कल हम आई से ऊपर एस से ऊपर जाएंगे, ठीक है। एगारिकस, एगारिकस का हेडेक कैसा होगा? हेडेक ऑफ दोज हु रेडिली बिकम डिलीरियस इन फीवर विद पेन। अगर उसका हेडेक है, फीवर है और विद पेन है और पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, अगर फड़कता हुआ रहे उसका बॉडी, ट्विचिंग और ग्रिमेस फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शंस, स्पाइन अफेक्शन के कारण अगर ट्विचिंग होता रहेगा, तब दैट इज एगारिकस, ठीक है। हेडेक को समझो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कॉज को। एगारिकस इज हेडेक फॉर ड्रंकर्स, बैड इफेक्ट आफ्टर ए डिवेंच, लोबिलिया नक्सोमिका एंड स्कूलकस। एलियम सिपा, कैटल डल है, कोलेजिया वर्स इन इवनिंग, बेटर इन ओपनिंग एयर, वर्स ऑन रिटर्निंग टू वार्म रूम, गर्म रूम में आता है तो उसका हेडेक स्टार्ट है, कंपेयर ऑफिशियल पल्स है। हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंसेस, हमेशा हेडेक होगा, जब मेंस होगा तब उसका हेडेक बंद हो जाएगा। रिटर्न विद व्हेन फ्लो डिसअपीयर्स, जैसे फ्लो बंद होगा मेंस का हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया एलियम सिपा, क्लियर हुआ? एलोज का हेडेक कैसे होगा? हेडेक वर्स फ्रॉम हीट, वर्स फ्रॉम हीट, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। अगर ठंडा पट्टी लगाता है हेड में उसको अच्छा लगता है। अल्टरनेटिंग विथ लुम्बागो, कमर के दर्द के साथ रहेगा। आफ्टर इनसफिशियंट स्टूल, स्टूल उसका सफिशियंट नहीं होगा। हेडेक अक्रॉस द फोरहेड, वर्स बाय एवरी फुट स्टेप, एक स्टेप जैसे लेता है वैसे उसका फोरहेड सामने का और ज्यादा बढ़ने लगता है। विथ हैवीनेस ऑफ आईज एंड नशिया, एक नशिया टेंडेंसी भी रहेगा और हैवीनेस रहेगा। एमोनियम कार, हेडेक सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज ए फोरहेड विल बी ब्रश्ड, उसका फोरहेड जैसे ब्रश्ड हो जाएगा, हट के निकल जाएगा। बेलडोना एंड ग्लोनाइन ऑल्सो देती हो, दैट इज एमोनियम का। एमाइल आइटम, हेमिक्रेनिया स्पेशली वेन एपिलेक्टेड साइड इज पैलिड, एक साइड का है हेडेक बहुत जोर से होना, लेफ्ट या राइट या कुछ भी। एनाकार्डियम, हेडेक रिलीव्ड बाय इंटरनली व्हेन ईटिंग, खाना खाने के बाद उसका सिरदर्द कम हो जाएगा। व्हेन लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट, रात में सोने से उसका सिरदर्द कम हो जाएगा। व्हेन अबाउट टू फॉल एस्लीप, नींद में हो जाएगा तब, वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, जब काम करेगा चलेगा तब उसका हेडेक ज्यादा हो जाएगा। गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंटरी पर्सन, गैस्ट्रिक और नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंटरी पर्सन। एंटीम्पुल का हेडेक कैसा? हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग, अगर नहा के आया है तो उसका हेडेक होगा। फ्रॉम टेकिंग कोल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक, डीएनजाइजेशन, एसिड, फैट्स, फ्रूट्स या सप्रेस्ड इरप्शन होने से उसको होगा। इसके साथ को टैंग वाइट ये सब आपको देखना है, एंटीम्पुल इज हॉट पेशेंट वो भी देखना है, ठीक है। अर्जेंट एट्रिकम का कैसे होगा?
headache, congestive with fullness and heaviness, with sense of expansions, habitually gastric for literary men, from dancing, hemicrania, preship, screwing of the frontal eminence of the temple, temple में ऐसा मालूम पड़ेगा कि screw कर रहा है कोई, ending with bilious vomiting, उसका सिरदर्द जैसे vomiting हो जाएगा, पित्त की उल्टी होने के बाद उसका headache कम हो जाता है, that is adrenalinergic. कितने पेशेंट आएगा बोलेगा कि मेरे को उल्टी और वोमिटिंग हो जाता है टिल वोमिटिंग हेडेक होते रहेगा, वोमिटिंग होने के बाद में मेरा हेडेक कम हो जाता है. वर्स फ्रॉम एनी एडजस्टिक मेंटल लेवल बेटर बाय प्रेशर और टाइट बैंडेजिंग, जोर से अगर बांधता है टाइट बैंडेज तो उसको ठीक रहेगा. दूसरा मेडिसिन एपिसेंट पस्टुला भी है. और अब मैं का हेडेक कैसा होगा, हेडेक फॉर पीपल विथ डार्क ओलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, said gloomy and taciturn, disposed to constipation from least mental exertion. थोड़ा सा भी mental exertion करेगा, बहुत चिंता और ग्रस्त और gloomy और taciturn से होता है क्या है? और headache for people with dark olive brown complexion, मतलब olive के type का उसका complex रहेगा, olive type का. Beretta card. Epileptic tendency to old people, complain of old drunkards. Headache and aged people who are childish behavior. Beretta carb old person के लिए जो childish behavior रहेगा और उसके बाद में जितने old drunkers हैं अगर उनको headache होता है then you think Beretta carb. Belladonna का headache कैसे होगा? हर समय हम लोग Belladonna फट से दे देते हैं लेकिन उसके headache को समझो. Head hot and painful. सिर गर्म होना चाहिए और painful होना चाहिए. Face flushed, eye wild. Staring pupil dilated, buckshot, striking of the fingers, mucous membrane of the mouth, dry, stool, teddy and urine, suppressed, sleepy but cannot sleep. नींद लग रहा है परंतु वो सो नहीं पाएगा. Headache में. Headache congestive. Congestive मतलब पूरा जमा हुआ, भरा हुआ, जैसे रक्त भरा हुआ है, heaviness है. ऐसा लगेगा सिर बहुत भारीपन है. रेड फेस रहेगा. थ्रॉबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटॉइड्स, यहाँ साइड में धक 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 करते रहेगा. वर्स फ्रॉम स्लाइट नॉइस, जार मोशन, लाइट लाइंग डाउन, लीस्ट एक्सर्शन, बेटर फ्रॉम प्रेशर, टाइट बैंडेजिंग, रैपिंग अप ड्यूरिंग मेंसेस, बोरिंग ऑफ हेड इनटू द पिलो. मैंने बोरिंग ऑफ मैंने क्या होगा, एक पिलो नीचे रखा ऊपर एक पिलो रख के मुंडी ऐसे घुसा के सोएगा. बिस्मथ का हेडेक कैसा होगा? हेडेक रिटर्निंग एवरी विंटर, हर विंटर सीजन में उसका हेडेक हो जाएगा, दैट इज बिस्मथ. अल्टरनेटिंग विद अल्टरनेट बाय गैस्ट्रेलजिया, हमेशा गैस्ट्रिक के साथ में वो हेडेक होते रहेगा बिस्मथ. क्या होगा, सारा मेडिसिन को पेशेंट आता है सारा मेडिसिन को एट ए टाइम ध्यान में रखना होगा और फटाक से उस पर कैच कर जाना है. ब्राइनिया, हेडेक व्हेन स्टॉपिंग हिज ब्रेन विल बी ब्रश थ्रू द फोरहेड, मालूम पड़े उसका ब्रेन फोरहेड से मतलब बाहर से सी सामने से पूरा हेड निकल कर फिक्का आ जाएगा. फ्रॉम आयरनिंग, सीपीआई आल्सो देयर, आयरन करने से, आयरन करने वाले को अगर हेडेक होता है देयर ट्रीट टू मेडिसिन ब्रायनिया एंड सीपीआई. सीपीआई चिल्ली, ब्रायनिया इज हॉट, तो हमेशा फटाक से डिफरेंस हो जाएगा. ऑन कफिंग, खांसने से उसको हेडेक हो रहा है. In the morning after rising up, when first opening of the eyes, जैसे सवेरे उठता है वैसे हेडेक चालू हो जाता है. Commencing the morning, gradually increasing until evening, दिन भर उसका हेडेक रहेगा शाम तक. From constipation है तो उसको हेडेक हो रहा था. एलोज, कॉलिनसनी एंड ओपियम, देर इज फोर मेडिसिन इफ कॉन्स्टिपेशन कारण हेडेक हो रहा है तो. कार्बो एनिमल्स, हेडेक इज इफ ए टोर्नाडो इन द हेड, एज इफ हेड हैड बीन ब्लोन टू पीसेस, माथे में पूरा घूमता रहेगा टोर्नाडो जैसा, मालूम पड़ेगा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा. हैज टू सीट अप एट नाइट एंड होल्ड इट टुगेदर, रात भर सोया रहेगा और सिर को पकड़े हुए रहेगा. कार्बोलिक एसिड, डल हैवी फ्रंटल हेडेक एज इफ ए रबर बैंड वेयर स्ट्रेस्ड टाइटली ओवर द फोरहेड. कार्बोनिक एसिड कैसा हो रहा है, मालूम पड़ा बहुत जोर से रबर बैंड टाइट करके रखा हुआ है और टेम्पल टू टेम्पल वो टाइट करके ही रखेगा. जेल्सीमियम, प्लेटिनम, सल्फर भी मेडिसिन.
चीन को ना चाइना का हेडेक कैसे होगा। इजिप्ट स्कल विल ब्रेस्ट, पूरा स्कल पूरा मेरा ब्रेस्ट हो जाएगा। इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हेड एंड कैरोटिड, फेस फ्लश्ड, पूरा चेहरा आग जैसा गलता रहेगा। और कैरोटिड आर्टरी फ्रॉम ओसिपिटल ओवरहोल्ड, पीछे से चालू होके पूरे सारे शरीर में फैल जाएगा। वर्स सिटिंग ऑन लाइन मस्ट टेंड एंड वर्क, बैठने से लेटने से उसको बढ़ जाएगा, हमेशा वो चलने की कोशिश करेगा। मस्ट टेंड एंड वर्क आफ्टर हेमरेज ऑफ सेक्सुअल, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव करने के बाद में अगर होता है, बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डायरिया डिसेंट्री हो रहा है, लॉस ऑफ फ्लूड हो रहा है, देन यू थिंक दिस सिंपल। कोकुलस हेडेक इन नेक एंड ओसिपिट, गला और ओसिपिट में अगर हेडेक हो रहा है, एक्सटेंडिंग टू स्पाइन, पीछे की तरफ जा रहा है। एज यू टाइटली बाउंड विद द कोर्ड विद नोशिया एज यू पेट सी, समुद्र कुल में जाने से उसको उल्टी उल्टी लगता है। टू ईच मेंस्ट्रुएशन पीरियड, हमेशा मेंस के समय ये प्राय देखा जाएगा। वर्स लाइंग ऑन बैक ऑफ हेड, सी हेडेक फ्रॉम कैरेज बोट और ट्रेन राइडिंग, हेडेक फ्रॉम मेंटल ओवर एग्जर्शन, थिंकिंग, टॉकिंग, वन साइडेड एज फ्रॉम ए नेल ड्राइवन इनटू द ब्रेन, कोई खिला ठोक रहा है ऐसा मालूम पड़ेगा। एज ब्रेन विल टर्न टू डैश टू पीसेस, ब्रेन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वर्स इन ओपन एयर, क्रोकस स्टाइवर, हेडेक ड्यूरिंग क्लाइमेटिक स्ट्रेस, थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग, वर्स ड्यूरिंग टू और थ्री डेज ऑफ कॉन्स्टेंट मेंस्ट्रुएशन, दो दूसरा या तीसरा दिन के बाद में मेंस्ट्रुएशन फ्लो के बाद हेडेक होना, नर्वस और मेंस्ट्रुएशन हेडेक बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर फ्लो, मेंस के पहले भी होगा, समय में भी होगा, आफ्टर फ्लो भी होगा। लैक्सिस लिलियम टिक एंड सिकेली रिजॉल्व्स होता है। फिर हम मेट हेडेक, हैमरिंग, बीटिंग एंड पल्सेटिंग पेन, मस्ट लाई डाउन विथ एवर्सन टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना पीना छोड़ देता है फॉर टू और थ्री डेज, एवरी टू और थ्री वीक्स में अगर होगा, दो दिन बाद, तीन दिन बाद या पंद्रह दिन बाद ये भी हेडेक वगैरह हो रहा है तो देन इट फेरोमेट्स होता है। जेलशीमियम का हेडेक कैसे होगा, प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, उसका हेडेक जब होगा वो आंख से अंधेरा छा जाएगा। बेटर बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, हेडेक अगर हो रहा है, अगर यूरिन ज़्यादा जा रहा है तो उसका हेडेक कम हो जाता है। उससे कुछ लोग यूरिन करने के बाद अगर हेडेक कम होता है देन यू गो फॉर डायरेक्टली जेलसीमियम, ओनली जेलसीमियम में ही है। हेडेक बिगनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, पेन एक्सटेंड टू ओवर द हेड एंड कॉजिंग ब्रस्टिंग सेंसेशन इन फोरहेड एंड आईबॉल्स, सेमिलेरिया एंड सालिसा बिगन इन द सेम वे बट सेमी लेटरल, वर्स बाय मेंटल एग्जॉशन फ्रॉम स्मोकिंग, हीट ऑफ सन, लेइंग विथ हेड लो, हमेशा मुंडी नीचे करके सोया रहेगा। इंटेंस कंजेशन ऑफ ब्रेन फ्रॉम डिलेड एंड सप्रेस्ड मेंसेस, बहुत देरी से मेंस होना या सप्रेस्ड है, मेंस बंद है और हेडेक इन द प्लेस ऑफ मेंसेस, मेंस होने के टाइम में उसको हेडेक होगा, मेंस नहीं होगा। हेडेक ऑकरिंग आफ्टर प्रोफ्यूज यूटेरिन हेमरेज, रश ऑफ ब्लड टू हेड इन ए प्रेग्नेंट वुमन, violent palpitation with throbbing in carotid, heart's action labored or pressed, blood seems to be rushed into heart and rapidly to head, मालूम पड़ेगा कि ब्लड हार्ट से ऊपर हेड में जा रहा है। ग्लोनाइन इज वेरी वंडरफुल मेडिसिन फॉर हेडेक, ठीक है, ग्लोनाइन को अच्छे से समझो। अब रिसेंटली हमने एक केस सीवियर हेडेक हमने ठीक किया, वो सिंगापुर का पेशेंट को जो डेली इंजेक्शन ले रहा था हेडेक को कम करने के लिए, फ्रॉम 3 मंथ डेली इंजेक्शन ले रहा था हेडेक के लिए, बट क्योर्ड बाय ग्लूनाइन। हेड ट्रबल फ्रॉम वर्किंग अंडर गैस लाइट, वर्किंग अंडर गैस लाइट, तो इसको समझो अगर किचन में भी काम कर रहा है तो भी ग्लूनाइन होगा, वो भी गैस लाइट होगा। व्हेन हीट फॉल्स ऑन द हेड, कैन नॉट बियर हीट अबाउट हेड, हीट ऑफ स्टॉप वॉकिंग इन द सन, समझ गए,
अगर अंदर रूम में भी अगर गर्म हो रहा है हीट से, स्टोव से, खाना बनाते समय, तो यू थिंक कि क्लोराइन मैक्सिमम आपको पेशेंट वैसे ही मिलेगा कि किचन में जाते हैं मेरा सिर दर्द हो जाता है और गर्म से हो जाता है। सेरेब्रल कंजेशन अल्टरनेट कंजेशन ऑफ द हेड एंड द हार्ट, कभी सिर में भारीपन लगेगा, कभी हार्ट में भारीपन लगेगा। हार्ट फील्स एनर्जी लार्ज एज कल वी आर टू स्मॉल टू टू ग्रेन, उसको क्या होगा, माथा बहुत छोटा नजर आएगा और मालूम पड़ेगा कि हार्ट पूरा फैला हुआ बड़ा दिखेगा। सन स्ट्रोक एंड सन हेडेक इंक्रीजेस डिक्रीजेस एवरी डे एंड दिस सन, सूरज के कम बेसी होने से उसका हेडेक भी कम बेसी होता है। टेरिफिक शॉक इन द हेड सेंट्रोमस विद द पल्स थ्रॉबिंग पल्सेटिंग हेडेक होल्ड्स हेड एंड बोथ हैंड्स वुड नॉट लाई डाउन द पिलो वुड बी बीट, अगर पिलो में भी सोया हुआ तो पिलो में भी बीटिंग पिल्ली को एकदम पीटता रहेगा मुंडी से जोर से। ब्रेन फील्स टू लार्ज फुल रेस्टिंग ब्लड सीम्स टू बी पंप्ड टू अपवर्ड्स, तो उसको मालूम पड़ेगा नीचे से ऊपर की ओर ब्लड पंप कर रहा है। थ्रॉब्स एवरी जार स्टेप एंड पर, थोड़ा सा भी हिलेगा डुलेगा तो उसको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। इंटेंस कंजेशन ऑफ द ब्रेन फ्रॉम डिलेड एंड सप्रेस्ड मेंसेस हेडेक प्लेसेस ऑफ मेंसेस हेडेक ऑफ इन प्रोफ्यूज यूटेरिन हेमरेज रश ऑफ द ब्लड इन देयर violent palpitation with throbbing carotids and boring head into pillow rolling it from side to side and beating head with hands, head ko अच्छे से पीटे हाथ से पीटते रहेगा। दूसरा वो helipolis boring head into pillow rolling from side to side beating head with hands, that is helipolis। hypericum headache after fall upon occiput with sensation as if being lifted up to high into air, great anxiety last should fall from this height। occipital अगर में लगा है चोट व गिरा है उसी के बाद, उसके बाद अगर headache हो रहा है then hypericum। ignatia headache is if nerve were driven into through the sides relieved by lying on it, मालूम पड़ेगा दोनों साइड से खिला कोई सिर में झुलसा दिया है। ठीक है, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.